हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉक नॉक एआर एजुकेशन। होपफुली सब लोग बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, मस्त होंगे एकदम। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने अपने आज के सेशन की। और जैसे आपको पता है कि लास्ट लेक्चर हम लोगों ने कवर किया था मोनोटोन फंक्शंस के ऊपर, ठीक है। तो आई थिंक अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो आई वुड से कि पहले वो लेक्चर देख लीजिए, क्योंकि इस लेक्चर में हम लोग ज़्यादातर मोनोटोन फंक्शन की लिमिट के ऊपर बात करने वाले हैं, ठीक है। तो एक बार आपको मैं रिकैप कराता हूँ कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या किया था। तो मोनोटोन फंक्शन जो होता है मोनोटोन फंक्शन, आप किसी भी फंक्शन को मोनोटोन फंक्शन कब बोल सकते हो? या तो वो फंक्शन इंक्रीजिंग हो या वो डिक्रीजिंग हो, ठीक है, तो आप उस फंक्शन को आप मोनोटोन फंक्शन बोल सकते हो, ठीक है। बट अगर आपको स्पेसिफिकली बोलना है कि वो फंक्शन मेरा मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो उसके लिए कंडीशन क्या होती है? तो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन इसके लिए कंडीशन क्या देखी थी कि सबसे पहले अपने फंक्शन डिफाइन होना चाहिए सम डोमेन टू आर, लेट्स से अगर मैं कोई भी एक्स वन एक्स टू, और यहां पे जो डोमेन अपने पास जो हम कंसीडर कर रहे हैं वो कंसीडर कर रहे हैं एक इंटरवल, ठीक है, ओके। तो अगर मैं कोई भी एक्स वन एक्स टू लेता हूं इंटरवल से, जिसके बीच में रिलेशन जो है वो ये है एक्स वन इज लेस देन एक्स टू, और वो इंप्लाई करे ये कि एफ ऑफ एक्स वन जो होगा वो मेरा लेस देन होगा या इक्वल टू होगा एफ ऑफ एक्स टू के, तो हम बोल देंगे मेरा जो फंक्शन है वो है इंक्रीजिंग फंक्शन, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। और अगर मैं इसमें से इक्वालिटी का साइन हटा दूं, अगर मैं सेम कंडीशन ये लिखूं एक्स वन इज लेस देन एक्स टू और इसको लिखूं एफ ऑफ एक्स वन इज लेस देन एफ ऑफ एक्स टू, तो ये मेरा जो फंक्शन हो जाएगा वो हो जाएगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। कल मैंने आपको एक नोट पॉइंट भी पढ़ाया था कि Every strictly increasing function is monotonic increasing function, but converse part need not be true. ठीक है, जरूरी नहीं कि हमारे हर एक monotonic increasing function strictly increasing function हो जाए, क्योंकि अपने पास जैसे example के लिए आप counter के लिए ले सकते हो constant function. Constant function अपने पास monotonic increasing function तो होता है, but वो strictly increasing function नहीं होता है, ठीक है। Same तरीके से हम लोगों ने देखा था अपना एक और डेफिनेशन कल जो थी मोनोटोनिक डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए, तो यहां भी मैंने फंक्शन जो डिफाइन किया गया था वो इंटरवल से आर तक डिफाइन किया गया था, और एक्स वन एक्स टू मैं कोई भी एक्स वन एक्स टू इंटरवल से लेता हूं जिसके बीच में रिलेशन जो है वो कुछ ऐसा होता है एक्स वन इज लेस देन एक्स टू विच इंप्लाइज एफ ऑफ एक्स वन is greater than or equal to f of x2, is it clear? तो अगर इस condition कोई function satisfy करता है तो वो अपने पास क्या हो जाएगा monotonic decreasing function हो जाएगा, ठीक है। same तरीके से अगर आप यहां से equality का sign हटा देते हो तो ये अपने पास जो function है वो हो जाएगा कुछ इस तरीके से f of x1 is greater than f of x2, which is strictly डिक्रीजिंग फंक्शन। तो इसके लिए भी अगर काउंटर चाहिए तो काउंटर आप वही कॉन्स्टेंट फंक्शन ले सकते हो, तो वही सेम चीज यहां पे भी अप्लाई होती है कि एवरी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन इज मोनोटोनिक डिक्रीजिंग फंक्शन बट कन्वर्स पार्ट नीड नॉट बी ट्रू, ठीक है। तो ये हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखे थे कि यार हम लोग कैसे फंक्शन को दिखाएंगे कि मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, ठीक है। इसका हमने ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन भी देखा था कि कैसे हम लोग ग्राफिकल अप्रोच या फिर ग्राफ के थ्रू भी बोल सकते हैं कैसे हमें फंक्शन जो है वो पर्टिकुलर इंटरवल में इंक्रीज कर रहा है डिक्रीज कर रहा है, ठीक। आज हम लोग थोड़ा देखने वाले हैं इन फंक्शंस के ऊपर कि अगर मैं लिमिट अप्लाई करता हूं इस इंटरवल के एंड पॉइंट्स पर तो फंक्शन का जो बिहेवियर या जो फंक्शन है वो एंड पॉइंट पर उसकी लिमिट क्या होगी, अगर मेरे पास फंक्शन जो है वो स्पेसिफिक या तो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, ठीक है। तो पहली हम लोग डेफिनेशन लिखते हैं आज,
लिमिट्स ऑफ मोनोटोन फंक्शंस। ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि कभी कभी एग्जाम में जो है ना, जो मैं आपको पॉइंट्स लिखवाऊंगा वो डायरेक्ट आपको ऑप्शंस दे दिए जाते हैं एमएसक्यू में, और पूछते हैं कि अगर मेरे पास फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है पर्टिकुलर इंटरवल में, तो इस केस में अगर फंक्शन बाउंडेड अबव है, बाउंडेड बिलो है, या फिर अनबाउंडेड अबव है, अनबाउंडेड बिलो है, तो उस केस में फंक्शन की लिमिट क्या होगी एंड पॉइंट्स पे। ठीक है, वो डायरेक्ट अपने ऑप्शंस दिए होते हैं, तो अगर आपको वो थ्योरम अगर आपने पहले ही दे रखी है तो आई वुड से कि इतना दिक्कत नहीं होगा उतना। ठीक है, तो अपने पास थ्योरम क्या है यहां पर, फर्स्ट थ्योरम कि हमने यहां पर एक इंटरवल अज्यूम किया है जो कि मेरे पास कैसा है, एक ओपन इंटरवल है। ठीक है, बी अ बाउंडेड ओपन इंटरवल, राइट, एंड मैंने अपना जो फंक्शन जो है वो डिफाइन किया है मैंने यहां पर आई से लेकर आर तक। ठीक, तो इस केस में मैंने यहां पे एक और कंडीशन पुट कर दी कि जो मेरा ये फंक्शन जो है ना वो मेरा पास कैसा है, मोनोटोनी इंक्रीजिंग फंक्शन है इस इंटरवल पे, बी आ मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन और इंटरवल आई। ठीक है, तो देखो अगर अपने पास इंटरवल डिफाइन किया गया है ओपन इंटरवल ए बी जो कि बाउंडेड ओपन इंटरवल है, एंड मैंने यहां पे फंक्शन डिफाइन किया है इस इंटरवल पे जो कि मेरे पास कैसा है, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन है, अगर ये कंडीशन होती है तो अपन लोग यहां पे ये बोल सकते हैं, पहली स्टेटमेंट यहां पर ये आती है कि अगर मेरा फंक्शन क्योंकि इंक्रीजिंग फंक्शन है, और मैं ये बोल दूं कि अगर मेरा फंक्शन बाउंडेड अबव है, बाउंडेड अबव है इंटरवल में, इंटरवल पर, देन अगर आप बी पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हो, लिमिट एक्स टेंड्स टू बी माइनस एफ ऑफ एक्स, तो वो किसके इक्वल होगा, सुप्रीमम के इक्वल होगा, सुप्रीमम ऑफ एफ ऑफ एक्स, जो भी फंक्शन का सुप्रीमम होगा ना उसके इक्वल आपकी इसकी लिमिट हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसा करता हूं कि आपको मैं एक स्टेटमेंट यहां पे प्रूव करके दिखाता हूं कि कैसे हम लोग इस पे कमेंट कर रहे हैं, कैसे हम लोग बोल रहे हैं कि यार ये सुप्रीमम होगा ही होगा यहां पर। ठीक है, बाकी की जो स्टेटमेंट है वो आप लोग खुद से ट्राई कर सकते हो। ठीक है, तो अब मैं आपको एक दिखाता हूं कैसे हम लोग प्रूव कर रहे हैं इसको। ओके, तो देखिए ध्यान से, मैंने यहां पे फंक्शन लिया क्योंकि फंक्शन अपने पास क्या है, मॉडर्न इंक्रीजिंग है एंड बाउंडेड अबव है। अब देखो कोई फंक्शन अगर मेरे पास बाउंडेड अबव है तो मेरे पास डेफिनेटली एक कैपिटल एम ऐसा आ रहा होगा जिससे मैं ये बोल पा रहा हूं जितने भी मेरे पास रियल नंबर है वो सब क्या है, यहां पर छोटे हैं, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, इस फंक्शन का बाउंडेड अबव हो जाएगा। ठीक है, तो क्या मैं यहां पर ये कंडीशन दे सकता हूं कि मैंने यहां पे अज्यूम कर लिया कि जो कैपिटल एम है वो सुप्रीमम है इस फंक्शन का, वेयर एक्स बिलोंग्स टू ए बी। ठीक है, आप कोई भी एक्स लीजिए, उस केस में मेरे पास जो सुप्रीमम फंक्शन का आ रहा है वो मैंने यहां पे अज्यूम कर लिया है, वो मेरे पास क्या आ रहा है, कैपिटल एम आ रहा है। ठीक है, लेट, तो मैंने यहां पर एक क्योंकि जो इंटरवल में मेरे पास गिवन है वो इंटरवल गिवन है ये ओपन इंटरवल ए से ओपन इंटरवल बी, और मेरे को लिमिट निकालनी है बी माइनस पे, लेफ्ट हैंड लिमिट मेरे को निकालनी है यहां पर। ठीक है, तो मैंने यहां पे अज्यूम किया कि एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, देन क्योंकि मेरा जो सुप्रीमम है फंक्शन का वो क्या है, कैपिटल एम है, तो एफ ऑफ एक्स जो होगा वो हमेशा क्या होगा, लेस देन या इक्वल टू होगा कैपिटल एम के, और ये कंडीशन ट्रू होगी फॉर एवरी एक्स के लिए। बताइए, ये कंडीशन जो है वो ट्रू होगी फॉर एवरी एक्स के लिए। ठीक,
अब देखिए, मैं बोल क्या रहा हूं कि मेरे पास एक ऐसा पॉइंट एग्जिस्ट करेगा इस इंटरवल में जहां पर मैं ये बोल सकता हूं सच दैट, क्योंकि एफ ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू एम है, तो मैं डेफिनेटली ऐसे बोल सकता हूं कि मेरे पास एक ऐसा पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है जिसमें अगर m माइनस एप्सिलॉन करूं तो ये जो फंक्शन की वैल्यू है इस पॉइंट पर वो क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। बट स्टिल अभी भी क्या है, ये छोटी है कि नहीं कैपिटल m से, क्योंकि कैपिटल m क्या है इसका, सुप्रीमम फंक्शन का। बट मैंने क्या बोल दिया, मेरे पास एक ऐसा पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है ओपन इंटरवल ए बी से जिससे मैं ये बोल रहा हूं कि m माइनस एप्सिलॉन क्या है, एफ ऑफ एक्स नॉट से छोटा है। ठीक है, ये मैंने कंडीशन मैंने ली है यहां से, जैसे मान लीजिए एम माइनस एप्सिलॉन मेरे पास ये आ गया, एम माइनस एप्सिलॉन, तो यहां पे मेरे पास एक ऐसा एफ ऑफ एक्स नॉट एग्जिस्ट कर गया जिससे वो वैल्यू क्या है भी बड़ी हो गई। ठीक है, इज दैट क्लियर, बताइए। अगर इतना क्लियर हो गया तो फिर हम आगे बढ़ जाए अभी। अब जो एक्स नॉट है, अगर मैं ध्यान से देखूं, वो एक्स नॉट पॉइंट मान लीजिए मेरा ये रहा, ठीक, और जो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो मेरे पास मैंने मान ली डेल्टा। तो अगर आपको डिस्टेंस निकालनी है दो पॉइंट के बीच में तो करते हो क्या, हो बी माइनस ए कर देते हो। ठीक है, तो मैंने बोल दिया यहां पर कि लेट, मैंने डेल्टा मान लिया, डेल्टा मेरे पास क्या है, बी माइनस एक्स नॉट, देन इस केस में एफ ऑफ एक्स नॉट को क्या मैं ऐसे लेता हूं, एफ ऑफ बी माइनस डेल्टा विच इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स नॉट, राइट। और ये क्या अपने पास ग्रेटर देन है एम माइनस एप्सिलॉन से, बताइए बात सही है कि नहीं है, क्लियर हुआ यहां तक। अब देखो, अपने पास एक कंडीशन और गिवन है स्टेटमेंट में ऊपर, कि मेरे पास जो एफ है ना वो कैसा है, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है। तो अब देखो, हम लोग यहां पे उस कंडीशन को यूज करने वाले हैं, सिंस एफ इज मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, तो आपको यह पता है, जैसे कि मान लीजिए अगर कोई फंक्शन आपके पास इंक्रीजिंग है, ठीक है, ये आपका रहा ओपन इंटरवल ए और ये हो गया बी, ठीक है, और ये आप बोल रहे हो ये आपके पास रहा एक्स नॉट, क्लियर सबको यहां तक, ये आपका एक्स नॉट है, ठीक है, और आपने बोला गया कि एफ ऑफ एक्स नॉट इज ग्रेटर देन एम माइनस एप्सिलॉन, तो ये रहा आपके पास एम माइनस एप्सिलॉन, मान लीजिए ये आपके पास एम माइनस एप्सिलॉन ही रहा, ठीक है, क्लियर सबको यहां तक। तो अब आप ये दिखाइए, अब आप ये बताइए कि ये आपके पास डिस्टेंस है डेल्टा, तो बी माइनस डेल्टा से बी, तो बी माइनस डेल्टा के पास क्या हुआ एक्स नॉट, सो एक्स नॉट से बी तक जितने भी पॉइंट होंगे अपने पास, उन सब में जो फंक्शनल वैल्यू जो रहेगी वो अपने पास ग्रेटर देन ही रहेगी अपने पास एम माइनस एप्सिलॉन से, यस और नो, देखिए ध्यान से, जो फंक्शनल वैल्यू जो अपने पास आ रही है यहां पर एक्स नॉट से बी तक, वो अपने पास क्या आ रही है, ग्रेटर देन आ रही है एम माइनस एप्सिलॉन से, यस और नो। तो बस हम लोग यहां पे वही कमेंट करने वाले हैं यहां पे, क्योंकि अपने पास फंक्शन जो है वो मॉडरेट इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो हम लोग यहां पे ये बोल सकते हैं कि जो एफ ऑफ एक्स जो होगा वो ऑलवेज ग्रेटर देन एफ माइनस एप्सिलॉन होगा, और ये किसके लिए ट्रू होगा, फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू बी माइनस डेल्टा टू बी, इज दैट क्लियर, बताइए। अगर ये बातें क्लियर हो गई तो क्या मैं यहां से ये बोल सकता हूं कि जो मेरा एफ ऑफ एक्स जो है वो बाउंडेड हो गया है एम माइनस एप्सिलॉन से कैपिटल एम के बीच में, फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू एफ बी माइनस डेल्टा टू बी। अब देखो, मैं बी पे ही फोकस क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मुझे यहां पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी थी बी की, और अगर आपको लिमिट का कॉन्सेप्ट पता है तो हम लोग वहां पे यह पढ़े थे, फॉर एवरी एप्सिलॉन के लिए मुझे वहां पे एक ऐसा डेल्टा एग्जिस्ट करवाना पड़ता था जहां पर एफ ऑफ एक्स माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन, विच इंप्लाइज मॉड ऑफ एक्स माइनस लेट्स से सी इज लेस देन डेल्टा, राइट। तो वही मैं यहां पे करने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि मुझे यहां पे सिर्फ लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है, तो मैं लेफ्ट हैंड लिमिट के पॉइंट ऑफ व्यू से यहां पे देख रहा हूं, इज दैट क्लियर।
तो अब आप यहां से ये बोल सकते हो कि सर इसकी जो लिमिट है, लिमिट एक्स टेंड्स टू बी माइनस पर एफ ऑफ एक्स की, वो अपने पास क्या आ गई, कैपिटल एम आ गई। और कैपिटल एम अपने पास क्या था भाई, हमने क्या अज्यूम किया था, वो था हमारे पास सुप्रीमम। सो विच इंप्लाय लिमिट एक्स टेंड्स टू बी माइनस एफ ऑफ एक्स इज सुप्रीमम ऑफ एफ ऑफ एक्स। इज दैट क्लियर, बताइए। हाँ जी, ये सबको बातें क्लियर हो गई। कैसे हम लोग प्रूव कर रहे हैं इस स्टेटमेंट को कि अगर आपके पास कोई फंक्शन जो है वो बाउंडेड अबव दिया गया है किसी इंटरवल पे, तो उस केस में अगर आपका फंक्शन मोनोटोन इंक्रीजिंग रहता है किसी बाउंडेड ओपन इंटरवल पे, तो अगर आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हो बी माइनस बी पर, तो वो किसके इक्वल होगा, सुप्रीमम के इक्वल होगा। ठीक है, अब बस खाली मैं स्टेटमेंट लिखवाऊंगा और अगर आप कोशिश करना कि आप खुद से स्टेटमेंट प्रूव कर सको, ठीक है, कोशिश करना, ट्राई करना एक बार तो अच्छा रहेगा, वरना आप स्टेटमेंट्स को भी डायरेक्ट याद रख सकते हो। तो अपने पास स्टेटमेंट नंबर टू जो है, यहां पर सेम कंडीशन है कि अपने पास आई जो है वो एक बाउंडेड ओपन इंटरवल है, फंक्शन मैंने डिफाइन किया है आई से आर तक, जो कि एक मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो क्या होने वाला है कि सेकेंड कंडीशन कि अगर मेरा एफ बाउंडेड ब्लो है, इफ एफ इज बाउंडेड ब्लो ऑन इंटरवल, देन अगर आप ए पर राइट हैंड लिमिट निकालते हो, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, अपने पास इनिफिमम के इक्वल हो जाएगा, इनिफिमम ऑफ एफ ऑफ एक्स वेयर एक्स बिलोंग्स टू ए बी। ठीक है, थर्ड कंडीशन यहां पर अपने पास कि अगर मेरे पास एफ, इफ एफ इज अनबाउंडेड अबव ऑन इंटरवल, देन लिमिट एक्स टेंड्स टू बी माइनस एफ ऑफ एक्स, अगर मेरे पास फंक्शन जो है वो अनबाउंडेड अबव है, मतलब मुझे ऐसा कोई भी कैपिटल एम नहीं मिल पा रहा है, तो उस केस में मेरे पास जो लेफ्ट हैंड लिमिट होगी बी माइनस पर, वो क्या होगी, हमेशा इंफिनिटी। बट याद रखिए, ये कंडीशन जो है वो अपने पास तभी ट्रू है जब अपने पास जो फंक्शन है वो मोनोटोनी इंक्रीजिंग है किसी पर्टिकुलर बाउंडेड ओपन इंटरवल पे। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट स्टेटमेंट इसके ऊपर कि अगर मेरे पास एफ जो है अनबाउंडेड ब्लो है ऑन इंटरवल, देन राइट हैंड लिमिट ए पर अपने पास क्या होगी, वो जाएगी कहां पर, माइनस इंफिनिटी पर। ठीक है, इज दैट क्लियर। तो इन सब के प्रूफ जो है वो बहुत ही इजी है, बस खाली आपको अज्यूम करना पड़ेगा जो भी आपके पास दिया हुआ। जैसे यहां पे अपने पास सेकंड केस में बाउंडेड ब्लो है, तो डेफिनेटली आप ये अज्यूम करोगे फंक्शन के पास मिनिमम एग्जिस्ट कर रहा होगा, तो आप पहले उसको एम मान लोगे, एंड देन उसके बाद क्योंकि मिनिमम है तो फंक्शन के पास जितनी वैल्यू होंगी वो उस एम से बड़ी होंगी। ठीक है, वो आपको अज्यूम करना पड़ेगा, एंड देन उसके बाद फिर लास्ट में आके आपको लिमिट की डेफिनेशन से दिखाना पड़ेगा कि जो इस फंक्शन की जो लिमिट है, राइट हैंड लिमिट होगी ए पर, वो किसके इक्वल होगी, इनफिमम के इक्वल हो जाएगी। इज इट क्लियर। तो ये पार्ट आई थिंक ईजी है, तो वो आप लोग प्रूव कर सकते हो। तो बढ़ते हैं फिर हम लोग आगे कुछ और स्टेटमेंट इसके ऊपर। ठीक है, तो स्टेटमेंट नंबर टू या फिर कह लीजिए थ्योरम नंबर टू कि अब मैंने यहां पे क्या बोला कि मेरा आई जो है वो ओपन, वही है सेम बाउंडेड ओपन इंटरवल है,
भैया बाउंडेड ओपन इंटरवल, बट अब मैं यहां पे ना कंडीशन चेंज कर दे रहा हूं एफ के ऊपर। पहले मेरे पास जो वो मैंने लिखा था, वो लिखा था सिर्फ और सिर्फ मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए, राइट। बट यहां पे क्या बोल रहा हूं कि एफ जो है वो मैंने यहां पे क्या बोल दिया, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग फंक्शन बोल दिया, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है, ऑन इंटरवल आए। तो पहला चीज, तो पहला अपने पास स्टेटमेंट इसमें क्या आएगा कि अगर मैंने ये बोला कि जो एफ है वो बाउंडेड अबव है, इफ एफ इज बाउंडेड अबव ऑन इंटरवल आई, देन इस केस में अगर आप लिमिट निकालोगे ए प्लस पर, मतलब ए ए पर आप राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हो फंक्शन की, तो वो किसके इक्वल हो जाएगी अपने पास, सुप्रीमम के इक्वल हो जाएगी, सुप्रीमम ऑफ एफ ऑफ एक्स। क्योंकि मैंने क्या बोला, फंक्शन क्या है, मोनोटोन डिक्रीजिंग है, एंड फंक्शन का जो बाउंडेड अबव है वो एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, इस केस में अगर आप चाहो तो इसको थोड़ा सा विजुलाइज भी कर सकते हो इसे, अगर मैं आपको थोड़ा सा बिना प्रूफ करे आपको विजुलाइज करने की कोशिश करता हूं, तो ध्यान से देखिए, ये आपके पास ओपन इंटरवल ए भी हो गया। अब क्योंकि फंक्शन अपने पास क्या है, मोनोटोन डिक्रीजिंग है, तो जो फंक्शन का जो बिहेवियर होगा वो कुछ ऐसा, मान लीजिए अपने पास फंक्शन कुछ ऐसा बिहेव कर रहा है। अब देखो यहां पर कंडीशन क्या है कि अपने पास जो फंक्शन का जो एफ है वहां पे कंडीशन से बाउंडेड अबव एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, बाउंडेड अबव एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो अब देखो बाउंडेड अबव अपने पास कहां होगा, यहीं पे तो कहीं होगा, क्योंकि अपने पास फंक्शन जो है वो मोनोटोन डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो वो हमेशा ऊपर से ही, अगर आप देखोगे तो यहां से एक्स वन इज लेस देन एक्स टू, ओके। तो अब आप एक चीज देखिए ध्यान से कि जो फंक्शन अपने पास यहां पर एक्स वन इज लेस देन एक्स टू, तो यहां पर अपनी कंडीशन क्या थी कि एफ ऑफ एक्स वन इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू, ये किसके लिए कंडीशन होती थी, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग के लिए। तो अगर मेरे पास ये एक्स वन कंसिडर कर रहे हो, ये एक्स टू कंसिडर कर रहे हो, तो यहां पर अपने पास ये वाली जो वैल्यू होगी वो सबसे मैक्सिमम मिलेगी, यस और नो, और यही तो मेरे पास बाउंडेड अबव होगा नहीं होगा, हाँ जी। तो अगर मैं यहां पर लिमिट निकालता हूं ए पर राइट हैंड लिमिट निकालता हूं, तो बताइए यहीं पे तो मुझे सुप्रीमम मिलने वाला है फंक्शन का, यस और नो, समझ में सबको आ रहा है। तो ये वाली जो वैल्यू होगी वो क्या होगी अपने पास, सुप्रीमम होगी फंक्शन की, इज दैट क्लियर, बताइए। तो ये थोड़ा सा आप ऐसे चीजों को बिना प्रूफ करे भी आप चीजों को समझ सकते हो कि यार मान लो अगर आपको प्रूफ नहीं करना है बट थ्योरम को समझना है, तो आप थोड़ा सा विजुलाइज करके भी चीजों को समझ सकते हो, ठीक है। तो यहां पर इस केस में क्या है कि फंक्शन अगर बाउंडेड अबव है इंटरवल पे, तो उस केस में अगर आप ए पर राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हो फंक्शन की, तो वो हमेशा किसके इक्वल होगा, सुप्रीमम के इक्वल होगा। बट अगर आपको प्रूफ करना है ये चीज, तो आपके पास आप प्रूफ कर सकते हो, ठीक है। सेम वही लास्ट तरीके से आप अज्यूम करना कि सुप्रीमम आपके पास एग्जिस्ट कर रहा है, एंड देन फिर उसके बाद आप पता क्या करना है, ठीक है, ओके। चलिए तो सेकेंड स्टेटमेंट देखते हैं इसी का। सेकेंड स्टेटमेंट अपने पास क्या है कि अगर मेरे पास फंक्शन जो है, इफ एफ इज बाउंडेड बिलो, इफ एफ इज बाउंडेड बिलो ऑन इंटरवल, देन आप अगर लिमिट निकालते हो, लिमिट एक्स टेंड्स टू बी माइनस राइट हैंड सॉरी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हो, तो वो किसके इक्वल होगा। अब देखो इस केस में क्या है कि फंक्शन क्या बोल दिया, बाउंडेड बिलो बोल दिया, ठीक है। तो अगर आप इसको थोड़ा रिलेट करोगे तो बाउंडेड बिलो मेरे पास कहाँ एग्जिस्ट करेगा, ये तो होगा फंक्शन का बाउंडेड बिलो, यस और नो, इस पॉइंट पर ये वाला जो वैल्यू होगी वो अपने पास क्या होगी, इनफिमम वैल्यू होगी, राइट, अगर आपके पास ये सारी कंडीशन गिवेन होती है। अब क्योंकि फंक्शन के पास बाउंडेड बिलो है, तो वो बाउंडेड बिलो कहाँ होगा, यहां होगा अपने पास। देन इस केस में अगर आप लिमिट निकालते हो लेफ्ट हैंड लिमिट बी पर, तो वो किसके इक्वल हो जाएगी, इनफिमम के इक्वल हो जाएगी, बस वही वही लिखने वाला हूं कि लिमिट एक्सटेंड टू बी माइनस
एफ ऑफ एक्स इज नथिंग बट इट्स इनफिमम ऑफ एफ ऑफ एक्स. इज दैट क्लियर? थर्ड पार्ट अपने पास थोड़ा इंटरेस्टिंग है, जो हमने वहां पढ़ा था अनबाउंडेड अबव के ऊपर. तो सेम आप कर सकते हो कि अगर एफ जो है अनबाउंडेड अबव है, तो इस केस में मेरे पास जो अपर बाउंड है फंक्शन का वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है. ठीक है, अनबाउंडेड अबव ऑन इंटरवल आई, देन आपसे पूछा गया है कि जो लिमिट होगी एक्स टेंड्स टू ए प्लस पर, मतलब राइट हैंड लिमिट ए पर, वो फंक्शन की क्या होगी. अब देखिए ध्यान से, एक और ग्राफ बनाता हूं आपके लिए ताकि आपको यहां पर चीजें समझ में आ जाए. अब मैंने क्या बोला है कि फंक्शन मेरे पास क्या है, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है, बट एफ जो है ना वो मेरे पास क्या है, अनबाउंडेड अबव है. तो ये जो फंक्शन है वो कुछ ऐसे आ रहा होगा, राइट? और ये ओपन इंटरवल ए से बी तक मेरे पास कहानी लिखी गई है. तो देखो, ओपन इंटरवल ए पर, ए पर ये फंक्शन, यहां पे ये फंक्शन कहां जा रहा है, देखो ध्यान से, ये जा रहा है इंफिनिटी पर. इज दैट क्लियर? अगर आप एग्जांपल लेना चाहो तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन ओवर एक्स का एग्जांपल ले सकते हो इन द इंटरवल ऑफ ओपन इंटरवल 0 1. तो अगर आप इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे तो ये फंक्शन ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा. ठीक है, तो ओपन इंटरवल 0 1 में ये क्या है, ये फंक्शन जो है वो अनबाउंडेड अबव दे रहा है, यस और नो? ये फंक्शन जो है वो अनबाउंडेड अबव है. और अगर आप इस पे लिमिट निकालते हो 0 प्लस, तो वो कहां जाएगी, हमेशा इन्फिनिटी जा रही, नहीं जा रही है. तो सेम केस यहां पे भी होगा कि अगर आपके पास फंक्शन अनबाउंडेड अबव है एंड मोनोटोनिक डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो इस केस में जो आंसर आएगा वो अपने पास क्या आएगा, यहां पर वो आएगा इन्फिनिटी. इज दैट क्लियर? बताइए. तो थ्योरम्स को रटना नहीं है, अगर आपको प्रूव नहीं करना है कोई दिक्कत नहीं है, प्रूव मत करो, बट आई वुड से कि थ्योरम को समझ कर लिखो. जो भी आप कॉपी पर लिख रहे हो ना, सोचो अपने आप, पूछो अपने आप से कि क्यों ये चीजें हो रही हैं. ठीक है, अगर आप उसके, अगर आप उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट का या थ्योरम का एक ग्राफिकल व्यू अपने माइंड में छाप लेते हो, तो आई थिंक वो थ्योरम फिर आपके लिए इजी रहेगी. ठीक है, फोर्थ स्टेटमेंट अगर मैं बात करूं इसका, तो वही सेम होगा कि अपने पास की एफ जो है अगर मेरे पास अनबाउंडेड बिलो हो जाए, मतलब इस केस में मेरे पास जो फंक्शन का जो लोअर बाउंड है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है इंटरवल में, देन इस केस में अगर आप यहां पे लिमिट निकालने जाओगे एक्स टेंड्स टू बी माइनस एफ ऑफ एक्स, वो अपने पास क्या हो जाएगा, माइनस इंफिनिटी. ठीक है, इज इट क्लियर? तो अगर आप चाहो तो यहां पे एग्जांपल ले सकते हो माइनस वन से जीरो, सेम एग्जांपल लीजिए ये वाला. तो ये जो फंक्शन है कुछ ऐसे जाता है. तो इस केस में देखिए ध्यान से, जीरो पर ये फंक्शन की जो लिमिट है वो एग्जिस्ट नहीं कर रही है, सॉरी, जीरो पे ये फंक्शन क्या जा रहा है, अनबाउंडेड बिलो है, राइट? और जो आप इस पर लिमिट निकालोगे लेफ्ट हैंड लिमिट, तो अपने पास क्या आ जाएगा, ये फंक्शन कहां टेंड करेगा, माइनस इंफिनिटी पर. ठीक है, तो ये आपके पास रहे दो केस, जब अपने हम, जब हमारे पास फंक्शन जो है डिफाइन किया गया है पर्टिकुलर ओपन बाउंडेड इंटरवल में. ठीक है, बट आपके मन में क्वेश्चन अभी ये आ रहा होगा, सर मान लीजिए कि अगर मेरे पास ओपन बाउंडेड इंटरवल ना हो, ठीक है, मतलब हम लोग का जो डोमेन है ना वो बाउंडेड इंटरवल ही ना हो, वो एक अनबाउंडेड ओपन इंटरवल, तो उस केस में क्या होगा, क्लियर है? तो उस केस में अपने पास क्या हो रहा होगा. बट इससे पहले, चलो पहले करते हैं, पहले उसका डिस्कस करते हैं, देन उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं. ठीक है, तो थ्योरम नंबर 2. तो आज के आई थिंक सेशन में हम लोग देखने वाले हैं जितनी भी थ्योरम बेस्ड है मोनोटोनिक इंक्रीजिंग या मोनोटोनिक डिक्रीजिंग के ऊपर, हम लोग वो सभी थ्योरम्स को लिख लेंगे एंड देन फिर हम लोग फ्यूचर में उन थ्योरम का यूज भी करेंगे. ठीक है, थ्योरम नंबर 3, लेट ए बिलोंग्स टू आर,
एंड मैंने यहां पे जो इंटरवल जो डिफाइन किया गया है वो डिफाइन किया मैंने ए से इंफिनिटी। एक कंडीशन मैंने यहां पे लिखी है कि मेरे पास जो फंक्शन है वो डिफाइन किया गया है इस इंटरवल पर और मैप हो रहा है आर पर, और ये जो फंक्शन है मेरे पास वो मोनोटॉनिक मोनोटॉन इंक्रीजिंग फंक्शन है, राइट? देन फर्स्ट कंडीशन यहां पर वही सेम कि अगर मेरा एफ जो है, अब देखो इस केस में मेरे पास जो डोमेन है वो बाउंडेड नहीं है, वो कैसा है मेरे पास, वो एक अनबाउंडेड डोमेन है, ठीक है? तो मैं यहां पे कमेंट क्या कर रहा हूं कि अगर मेरा फंक्शन एफ, इफ एफ इज बाउंडेड अबव, इफ एफ इज बाउंडेड अबव ऑन इंटरवल, देन इस केस में जो लिमिट होगी एक्स टेंड्स टू ए, सॉरी नॉट एक्स टेंड्स टू ए, क्योंकि अपने पास बाउंडेड अबव है तो अपन लोग लिमिट निकालेंगे एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी पर एफ ऑफ एक्स की, वो हमेशा अपने पास किसके इक्वल होगी, सुप्रीमम ऑफ एफ ऑफ एक्स पे, ठीक है? तो इस केस में आपके पास जो इंटरवल है वो डिफाइन किया गया है ओपन इंटरवल ए से इंफिनिटी, ठीक है, जहां पर आपके पास जो फंक्शन है वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग किया गया है, बट यहां पर एक कंडीशन दे दी गई है कि जो फंक्शन है आपके पास वो कैसा है, बाउंडेड अबव है, राइट? मतलब आप कितना भी आप आगे चले जाओ आपके पास एक लिमिट आ जाएगी जहां पर वो फंक्शन जो है वो उससे ऊपर नहीं जा सकता है, राइट? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ सबको बताइए, क्लियर हुआ सभी को? हाँ जी, ठीक है। तो अपन लोग क्या करते हैं कि ये भी हम लोग कुछ एग्जांपल्स लिखेंगे जहां पर हम लोग स्पेसिफिक ध्यान देंगे कि यार अगर मेरे पास फंक्शन इंक्रीजिंग हो रहा है, ठीक है, बाउंडेड अबव है, कैसे हम लोग देखते हैं कि चीजें क्या होने वाली है वहां पर। तो हम लोग कुछ कुछ अभी एग्जांपल्स करेंगे बहुत सारे जहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस चीज के ऊपर, ठीक है? क्लियर हुआ सभी को यहां तक बताइए। चलो तो अपने पास इसमें सेकेंड स्टेटमेंट क्या आई है कि अगर मेरा फंक्शन जो है अनबाउंडेड अबव हो जाए, मतलब इस केस में मेरे पास जो उसका अपर बाउंड है फंक्शन का वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है इंटरवल पर, देन इस केस में मेरे पास अगर मैं यहां पे लिमिट निकालने जाऊंगा एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी पर एफ ऑफ एक्स की, तो वो अपने पास क्या हो जाएगी, इंफिनिटी हो जाएगी, ठीक है? तो कभी भी अगर आपको ऐसी थ्योरम का खेलना है तो सबसे पहले आपको यह रखना है कि आपको ऐसा एग्जाम्पल पिक करना है जो पहले इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे कि फंक्शन इंक्रीजिंग होना चाहिए, फंक्शन बाउंडेड अबव होना चाहिए इंटरवल पे। अगर ऐसा कुछ होता तो आप डेफिनेटली देखना वहां पर जो फंक्शन की जो लिमिट हो रही होगी वो उसके सुप्रीमम के इक्वल आ रही होगी, ठीक है? तो कंडीशन यहां पर क्या देखनी है आपको, फंक्शन को डिफाइन करवाना है ओपन इंटरवल ए टू इंफिनिटी में, वो फंक्शन आपके पास इंक्रीजिंग फंक्शन होना चाहिए और उस फंक्शन का बाउंडेड अबव मतलब अपर बाउंड उस फंक्शन का एग्जिस्ट करना चाहिए। अगर ऐसा कुछ होता है तो हम लोग कमेंट कर सकते हैं कि जो मैं लिमिट नीचे लिख रहा हूं वो इसके इक्वल हो जाएगी, ठीक है? बात क्लियर सबको यहां तक? तो अगर मैं इसी का रिवर्स वर्जन लिखूं बाउंडेड बिलो के लिए, तो थर्ड पॉइंट आपके पास यहां पर आ जाएगा सीख में कि अगर आपके पास एफ जो है वो बाउंडेड बिलो होता है ऑन इंटरवल, देन इस केस में अगर आप लिमिट निकालते हो एक्स टेंड्स टू ए प्लस पर एफ ऑफ एक्स, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, इस फंक्शन के इनफिमम के इक्वल हो जाएगा, ठीक है? एंड सेम फोर्थ पॉइंट आपके पास क्या आ जाएगा यहां पर कि अगर मैं ये बोलूं कि फंक्शन जो है, अगर मेरा फंक्शन
अनबाउंडेड बिलो होता है ऑन इंटरवल देन लिमिट एक्स टेंड्स टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स, कहां जाएगा भाई इस केस में वो जाएगा माइनस इंफिनिटी, क्योंकि फंक्शन अपने पास क्या है इंक्रीजिंग फंक्शन है, राइट। क्लियर हुआ सभी को यहां तक बताइए। आपको एक काम करना है कि ये चारों पॉइंट आपको आपको लिखने हैं थ्योरम नंबर फोर के लिए, ठीक है, जहां पर आपके पास सेम कंडीशन रहेगी लेट ए बिलोंग्स टू आर और आपके पास जो इंटरवल रहेगा वो रहेगा माइनस इंफिनिटी से ए तक, ठीक है, एंड फंक्शन को मैंने डिफाइन किया आई से लेकर आर तक और वो आपके पास कैसा फंक्शन है मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन, राइट। मोनोटोनिकली माइनस इंफिनिटी डिक्रीजिंग फंक्शन, सॉरी आप पहले एक काम करिए इंटरवल आपके पास सेम रहेगा, मान लीजिए इस केस में ए टू इंफिनिटी, ठीक है, तो इंटरवल आपके पास सेम है ए टू इंफिनिटी, फंक्शन डिफाइन कर रखा आई से आर जो कि आपके पास क्या है मोनोटोनिक डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो इसके लिए आपको चार कंडीशन लिखनी है 1, 2, 3, 4, ठीक है। वही सेम चीज आपको ग्राफ बनाना है, ग्राफ से आपको ये देखना है कि फंक्शन जो है वो डिक्रीजिंग हो रहा है तो डिक्रीजिंग में कैसे उसका बिहेवियर होगा, कहां उसका सुप्रीमम होगा, कहां उसका इनफिमम होगा और कैसे कैसे उस पर हम कमेंट करना है। तो ये चारों पॉइंट आपको लिखने हैं इस पर्टिकुलर डोमेन के लिए, ठीक है। अब ऐसा करते हैं कुछ एग्जांपल कर लेते हैं इसके बेस पे ताकि आपको चीजें क्लिक हो या फिर चीजें क्लियर हो कैसे हम लोग यहां पर कमेंट कर रहे हैं कि अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है तो क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग अगर पहला एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए हमने एफ ऑफ एक्स को लिया टेन एक्स, ठीक है, और मैंने इस फंक्शन को डिफाइन किया है एक ओपन बाउंडेड इंटरवल पे माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू के बीच में, राइट। आप सभी को पता है ये जो फंक्शन है ना अपने पास, अगर आप इस फंक्शन को ड्रॉ करोगे, देखो यहां पे आपको थोड़ा सा है ना ग्राफ थ्योरी जरूरत पड़ेगी अगर आपको फंक्शन को विजुलाइज करना है, तो अगर आप माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू में जाओगे तो आपके पास ये जो फंक्शन है वो कुछ ऐसा बिहेव करता है, बताइए, जो कि कैसा फंक्शन है, ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, राइट। तो इस केस में मैं यहां पे कमेंट क्या कर रहा हूं कि ये जो मेरा एफ जो है वो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया यहां पर, राइट, किस इंटरवल पे, इस इंटरवल पे, इज दैट क्लियर। अब आप एक चीज देखिए कि जो फंक्शन जो है ना वो अनबाउंडेड अबव भी है, अभी अगर मैंने आपको मैं यहां पर देखूं जाके कौन सा हमने थ्योरम नंबर वन किया था, राइट, थ्योरम वन में हमने ये देखा था कि अगर फंक्शन मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है किसी बाउंडेड ओपन इंटरवल पे एंड उसमें पॉइंट नंबर थर्ड देखिए अनबाउंडेड अबव है, क्या है अपने पास अनबाउंडेड अबव है, तो उस केस में हम ये बोल सकते हैं कि उसकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट होगी बी पर वो कहां जाएगी इंफिनिटी पर जाएगी, राइट। सेम हम लोग यहां भी कमेंट करने वाले कि फंक्शन अपने पास डिफाइन है बाउंडेड ओपन इंटरवल पे, फंक्शन मॉडरेट इंक्रीजिंग हो गया, अब हम लोग निकाल रहे हैं इसकी लिमिट क्योंकि ये फंक्शन अनबाउंडेड अबव भी है अनबाउंडेड बिलो भी है, तो पहले लिमिट निकालते हैं लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई बाय टू माइनस क्या होगा अपने पास इस फंक्शन का वो कहां जाएगा पाई बाय टू माइनस ये कहां जा रहा है इंफिनिटी जा रहा है, ठीक है, और सेम तरीके से आप लिमिट निकालोगे लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई बाय टू प्लस एफ ऑफ एक्स कहां जाएगा माइनस इंफिनिटी। अब देखो ये तो अपने पास सिंपल्स एग्जांपल हो गया, आप डायरेक्टली इसका ग्राफ बना सकते हो, ठीक है, बट एग्जाम में क्या होगा ना आपको वो ऐसे दे देगा कि यार आपके पास ये फंक्शन जो है वो एक डिफाइन एक फंक्शन आपके पास है जो कि मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है, इसको डिफाइन किया गया है सम ओपन बाउंडेड इंटरवल पे, राइट, बट उस फंक्शन के ऊपर आपको ये बोल दिया कि ये फंक्शन जो है ना वो
अनबाउंडेड ब्लू है और फंक्शन आपको पता नहीं भाई फंक्शन क्या है वहां पर। आपको तीन कंडीशन दे दी गई है यहां पर कि फंक्शन डिफाइन किया गया है ओपन बाउंडेड इंटरवल पे, फंक्शन का जो बिहेवियर है वो है मॉडरेट इंक्रीजिंग, एंड फंक्शन जो है वो आपके पास क्या दे दिया यहां पे अनबाउंडेड बिलो दे दिया, मतलब उसका लोअर बाउंड एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो इस केस में आपसे लिमिट पूछी गई है कि माइनस पाई बाय टू प्लस पर फंक्शन की लिमिट कहां जाएगी। तो आपको अगर वो थ्योरम क्लियर है तो आप डायरेक्टली वहां से बोल सकते हो कि माइनस इनफिनिटी, ठीक है, इज इट क्लियर। तो हम लोग ऐसे इस थ्योरम का यूज करेंगे, इज इट क्लियर। बताइए कुछ और एग्जांपल लिखते हैं अपन लोग यहां पर। जैसे मान लीजिए मैंने यहां पे फंक्शन लिया f ऑफ x इज इक्वल टू log x, आपको पता है कि log x फंक्शन किसके डिफाइन होता है, जीरो पे डिफाइन होता है, ग्रेटर देन जीरो। और अभी हमने थ्योरम पढ़ के आए हैं कि अगर आपके पास कोई भी फंक्शन डिफाइन किया गया है ओपन इंटरवल a से इंफिनिटी के बीच में, ठीक है, तो अगर आप इसका ग्राफ बनाते हो, हालांकि ग्राफ सबको पता होगा सबके, तो ग्राफ इसका कुछ ऐसा होता है राइट, जीरो से इंफिनिटी के बीच में। और ये फंक्शन कैसा बताइए आपके पास, ये फंक्शन जो है वो मेरे पास मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है, एफ इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग ऑन ओपन इंटरवल जीरो से इंफिनिटी, राइट। और मेरे पास एक और कंडीशन है कि ये फंक्शन जो है वो अनबाउंडेड अबव भी है, एंड एफ इज अनबाउंडेड अबव, राइट। तो इस केस में यहां पे पूछा गया कि लिमिट एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी एफ ऑफ एक्स कहां जाएगा, बताइए कहां जा रहा है। जब आप x को टेंड कराओगे इन्फिनिटी पे तो बताइए जो फंक्शन है वो कहां जा रहा है, इन्फिनिटी पे जा रहा है, नहीं जा रहा, यस और नो, इज दैट क्लियर। और जब आप इस पे लिमिट निकालोगे x टेंड्स टू जीरो प्लस पर वो कहां जाएगी, माइनस इन्फिनिटी पर, ठीक है। तो आपको चीजों को ऐसे ही देखना है कि यार अगर मेरे पास वो थ्योरम है तो उसमें कौन कौन सी कंडीशंस हैं, ठीक है, वो देखना है, क्लियर है सबको यहां तक, बताइए। अगर क्लियर है तो बढ़िया है, नहीं तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं और देखते हैं एक और थ्योरम अपने पास इसके बेस पर, ठीक है, उसको और देखते हैं, फिर अपने क्लास को आज अपने यहीं पे खत्म करते हैं। तो थ्योरम नंबर आप लिख लीजिए 5, क्योंकि 1, 2, 3, 4 हो गया है। अब देखो इस केस में मैंने क्या डिफाइन किया कि लेट ए बिलोंग्स टू आर और मेरे पास जो इंटरवल है वो इंटरवल मैंने डिफाइन किया है इसके से माइनस इन्फिनिटी टू ए। पहले मैंने डिफाइन किया था ए से इन्फिनिटी और ये मैं थ्योरम डिफाइन कर रहा हूं माइनस इन्फिनिटी से ए तक। तो इस केस में मेरा जो फंक्शन है ना आई से आर पे डिफाइन किया गया है जो कि क्या है एक मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है, मोनोटोन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन इंटरवल आई। तो इसके बेस पे अपने पास चार स्टेटमेंट है यहां पर। पहला कि फंक्शन जो है इफ एफ इज बाउंडेड अबव, अगर फंक्शन का अपर बाउंड एग्जिस्ट कर रहा है इंटरवल पर, देन अगर आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हो ए पर a माइनस, तो वो किसके इक्वल होगा, सुप्रीमम के इक्वल हो जाएगा क्योंकि मेरे पास जो फंक्शन है वो डिपेंड किया माइनस इंफिनिटी से a तक, इज दैट क्लियर, ठीक है। अब देखिए इसी में हम लोग सेकेंड पॉइंट लिख सकते हैं यहां पर, वो पॉइंट अपने पास ये है कि अगर अपना फंक्शन f जो है वो अनबाउंडेड अबव हो जाए, मतलब उसका अपर बाउंड एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो इस केस में मेरे पास जो फंक्शन होगा उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट a पर वो कहां जाएगी भाई, वो जाएगी इन्फिनिटी पर, ठीक है। और लास्ट दो पॉइंट और अपने पर बचे हैं इसके, क्योंकि आज का सेशन जो है वो थोड़ा थ्योरेटिकल हो गया आई नो, बट ये सारी थ्योरम आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी जब आप एग्जाम में बैठे होगे या फिर जब आप क्वेश्चंस को जब टैकल कर रहे होगे
तो उन टाइम उस टाइम पर आपको अगर ये थ्योरम्स क्लियर होंगी तो आप एग्जाम में ऑप्शंस को डायरेक्टली ही डिस्कार्ड कर सकते हो वहां पर, ठीक है। तो इस केस में अपने पास एफ जो है वो यहां पर क्या है, वो हो गया बाउंडेड बिलो। बाउंडेड बिलो फंक्शन अपने पास इंटरवल पे, देन इस केस में हम लोग बोल रहे हैं कि जो लिमिट होगी एक्स टेंड्स टू माइनस इनफिनिटी पे फंक्शन की, वो किसके इक्वल होगी, उसके फंक्शन के इनिफिमम के, राइट। फंक्शन का जो भी इनिफिमम होगा यहां पे इस केस में उस के इक्वल होगी, इनिफिमम ऑफ एफ ऑफ एक्स। एंड द लास्ट पॉइंट इज कि अगर फंक्शन हमारे पास अनबाउंडेड बिलो है ऑन इंटरवल, देन इस केस में अगर आप लिमिट निकालते हो लिमिट एक्स टेंड्स टू माइनस इनफिनिटी पर फंक्शन की, तो वो अपने पास कहाँ जाएगी भाई, वो जाएगी माइनस इनफिनिटी पर, ठीक है। तो देखिए ये वाली जो थ्योरम मैंने आपको लिखवाई है वो लिखवाई है सिर्फ और सिर्फ थ्योरम 5 मोनोटोनली इंक्रीजिंग के लिए। तो अगर आप चाहो तो इसी को आप कन्वर्ट कर सकते हो डिक्रीजिंग में, देन डिक्रीजिंग के अकॉर्डिंग उसके लिए कंडीशन यहां पे चेंज हो जाएंगी, सुप्रीमम की जगह इन्फिमम आ जाएगा, इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी आ जाएगा, राइट। तो वो आप लोग खुद से लिख सकते हो, ठीक है। और बची बात इन सभी थ्योरम के प्रूफ की, तो प्रूफ आप लोग कर सकते हो खुद से दो तीन, एटलीस्ट मैं आई वुड से कि दो तीन प्रूफ अपने आप खुद से करिए ताकि आपको एक आइडिया मिले कि इनके पीछे थ्योरी क्या चल रही है। ऐसे ही आप रटो मत, ठीक है, ऐसे ही आप विजुलाइज मत करो, ठीक है। बट थ्योरम का प्रूफ करने के बाद एक बार इसको खुद से ग्राफिकल अप्रोच से क्लियर करने की कोशिश करो, ठीक है, जिससे आपको क्लियर हो जाए कि यार अगर मेरे पास फंक्शन अनबाउंडेड अबव है, अनबाउंडेड बिलो है, या फिर ऐसा कुछ भी कंडीशन आ रही है, तो उसको मैं कैसे ग्राफ के थ्रू भी देख सकता हूँ, ठीक है। तो आई थिंक इस लेक्चर के लिए हम लोग यहीं तक रखते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अपना शुरू करने वाले हैं कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है आई वुड से आईआईटी जैम के सिलेबस का, तो हम लोग उस पर काफी ज्यादा टाइम स्पेंड करेंगे वहां पर, ठीक है। और इस लेक्चर के लिए हम लोग इतना रखते हैं, टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।